गुड्डू मंडल ने कहा मेरी शव यात्रा निकली है, मेरी उम्र बढ़ गई। हर चीज का आंदोलन एक समस्या नहीं होता है। गुड्डू मंडल की ठीक है, तो जब उनका चुनाव का प्रचार चल रहा था, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जो नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी शौचालय लगाए गए थे काफी गंदा है, और ऐसा दावा कर रहे थे वो कि गुड्डू मंडल आएंगे और सारे शौचालय एकदम स्वच्छ हो जाएंगे। शौचालय आज भी वही रह गया जो काफी पुराना था, टीन का डिब्बा। विकास, तो विकास गुड्डू मंडल के रहते क्या? विकास हुआ है उनका। बांकी तो कोलरा बांध का कार्य अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, गुड्डू मंडल आगे आगे बढ़ करके काम करवा रहे थे। उसी काम के बीच वो एक पुलिस वाले विवाद में फंस गए थे वहाँ रौतारा चौक पर, तो फिर उसके बाद जब वो छूट करके आए जेल से फिर काम ठप क्यों हुआ? डेटा हमारे पास उपलब्ध है, वक्त आएगा उनको सारा एक एक बिंदु पर कितने इंटरप्राइजेस हैं, सारा इंटरप्राइजेस मेरे पास लिस्ट है, डेट बाई डेट है, कितने करोड़ों का निकासी हुआ है, 2 करोड़ 99 लाख जितना भी है, तो हाथी के दांत हो गए, सारे पैसे निकल गए, वो फंड भी ट्रांसफर हो गया। वो फंड 44 लाख अमित मंडल जी का देन था। हाँ। जो कोलरा बांध का निकासी के लिए नाला निर्माण के लिए उन्होंने दिया था। देखिए शिलापट भी उद्घाटन का वहाँ होगा, उस फंड को ट्रांसफर करके वो कोलरा बांध का जल निकासी का समस्या जो लगाए पंप जो लगाए हैं तो उसमें उनका हिसाब तो आपको पता ही है। जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि उपाध्यक्ष महोदय बेनु चौबे भी हैं, लेकिन वो विवाद में नहीं फंसती। लगातार जब भी विवाद होता है गुड्डू मंडल फंसते हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं हमारे जिले में, नगर में और भी नेता हैं, लेकिन विवाद में हमेशा गुड्डू मंडल ही फंस जाते हैं। जनता देख रही है। गुदड़ी हटिया की अगर बात करें तो पीछे में इतनी गंदगी, अगर लोग बिना मास्क पहने जाएं तो हमें लगता है बदबू सूंघने के बाद लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएं, तो उसके बारे में क्या कहें? कार्यपालक पदाधिकारी का शव यात्रा निकालना कहां करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम साजेब है और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं समाचार आज तक। दरअसल आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं वो मुद्दा है हमारे नगर परिषद अध्यक्ष गुड्डू मंडल, या कह ले विवाद मंडल, क्योंकि विवादों से उनका नाता काफी पुराना है। चाहे हम नगर अध्यक्ष बनने से पहले की बात करें या बाद की बात करें, कभी उनका पुलिस से विवाद हो जाता है तो कभी उन्हीं के वार्ड पार्षद से उनका विवाद शुरू हो जाता है। अनिल मेहतर की अगर हम बात करें तो उनसे, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ परासर और बच्चूजा, जो कि उनके नीतियों का लगातार विरोध करते हुए आ रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि अभी जो सफाई कर्मी जो हैं अपने मानदेय को लेकर के शव यात्रा निकाला था गुड्डू मंडल का, और उनका आरोप था कि गुड्डू मंडल उन्हें जातिवाचक गालियां भी देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि जातिवाचक गालियां देना कहां तक सही है। नमस्कार। जातिवाचक गालियां किसी को देने का अधिकार नहीं है, उसके सम्मान को, सबका सम्मान होता है चाहे वो किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, सभी सम्मान के भूखे हैं। वो आपका अंग है, वो सफाई कर्मी आपको का अंग है, और वो नगर का एक, समझिए कि वो नगर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में उनका एक अहम योगदान है। जैसे कि हमने कहा था उनका 3 महीने का या जो भी उनका मापदेन जो मानदेय जो बकाया है जो बराबर देखते हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, तो मैं सफाई कर्मी के समर्थन में हूँ कि उनका मानदेय उनका सही समय पर जो निर्धारित किया गया है 10 तारीख के 10 तारीख उनको पेमेंट होना चाहिए, उस पेमेंट होना हो जाना चाहिए। किसी कारणवश होता है कि नहीं, अगर विभागीय स्तर से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आगे पीछे होता है, वो लोग भी कोऑपरेटिव हैं, मैं देखता हूँ। सफाई कर्मी निश्चित रूप से सुबह 4 से 5 बजे रात में भी काम मैंने करते देखा है, वो निश्चित रूप से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। जैसे बिजली विभाग का जो नगर परिषद के बिजली कर्मी हैं वो भी लगातार प्रयास करते हैं कि बिजली की समस्या जहाँ भी हो, चाहे वेपर का फॉल्ट हो या वेपर स्विच खराब है, वो त्वरित काम करते हैं। भटकते कहाँ हैं, जनप्रतिनिधियों के इशारे पर भटकते हैं। अब मान के चले कि हमारे घर का वेपर खराब हो गया है और अगर हमारे जो पार्षद हैं जो वार्ड 6 के उनको बोले या उनसे अगर नहीं सुना गया, अध्यक्ष को बोले या अध्यक्ष से नहीं सुना गया, वहाँ भटका होता है कर्मचारियों पर, किसी को वहाँ ट्रांसफर कर दिए, वहाँ भेज दिए, तो कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मियों के साथ तो सही में एकदम निर्धार गलत हो रहा है उसके साथ, और यूँ ही गलत होते रहेगा। तो आज हमारे जैसे अरुण चचा जी नगर परिषद सफाई कर्मियों के साथ, वहाँ के सभी कर्मियों के साथ, वो जैसे जिस तरह कर्मठ जैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए वो उम्र में उस जोश के साथ उन लोगों का साथ देते हैं, तो सराहनीय है उनका कार्य देखकर। और मैं एक बात और सफाई कर्मियों से आग्रह करता हूँ, हर चीज़ का आंदोलन एक समस्या नहीं होता है। आप विवाद से हमेशा विवाद से घिरे हैं, उस सच्चाई उस नींव पर जाइए कि आखिर ये विवाद उठता कहाँ से है, इसके पीछे क्या रीजन है। हमारे नगर परिषद में आप देख रहे होंगे कि लाखों करोड़ों का निकासी हो चुका है, वो कहाँ से हो गया बिना टेंडर का। आप हाल फिलहाल आप चले जाइए कोलरा बांध का,
और वहाँ पर काम हुआ है जो कि अभी भी अधूरा काम पड़ा है, आप देखिएगा वो हाल में काम हुआ है, उसका वाटर लिमिटिंग का काम चल रहा था और अब अभी नया हुआ है, आप जाके देखिएगा वहाँ के लोकल लोग जो है बोरा प्लोथिन बांध कर किसी तरह पानी को निकासी करने का प्रयास करते हैं, उस पर फोकस नहीं जा रहा है, वहाँ का पैसा भी निकासी हो चुका है। तो जब इस फंड का ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिक, जो कि फंड ट्रांसफर कैसे क्या हो रहा है जाँच का विषय है, तो बहुत ऐसे ऐसे बिंदु हैं। मैं गुड्डू मंडल, मेरा प्रश्न कोई दुश्मन नहीं है और मैं वो मेरा बड़े भाई हैं, नगर अध्यक्ष हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गलत करेंगे तो मैं इनका विरोध निश्चित रूप से करूंगा और जिस तरह मैं करते आया हूं और आगे भी करते रहूंगा। अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि उपाध्यक्षा महोदय बेनु चौबे भी हैं, लेकिन वो विवाद में नहीं फंसती, लगातार जब भी विवाद होता है गुड्डू मंडल फंसते हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं हमारे जिले में, नगर में और भी नेता हैं, लेकिन विवाद में हमेशा गुड्डू मंडल ही फंस जाते हैं। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि गुड्डू मंडल जी को आगे चुनाव जीतने से पहले भी वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ के हिस्सा लिए हैं, जहाँ पर गलत है या नहीं है तो उस देखते नहीं हैं, कूद जाते हैं, अपने जो अंदरूनी मानसा उनका रहता है, सब मिशन रहता है कि किस तरह किसको भटकाव करना है, कहाँ पर कैसे आपके जैसे चैनल माध्यम को अपने तरफ आकर्षित करना है, जो कि हम फ्रंट मीडिया पर आते रहे हैं। और भी बहुत है जो जांच के विषय मैं संघर्ष कर रहा हूँ, हमारी लड़ाई तो आप देखे भी हैं, जो भी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है और कागज कभी मरता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जैसे कि गुड्डू मंडल पे कोई भी इल्जाम या कोई भी आरोप लगता है तो हमेशा वो अपने आप को सही ठहराते हैं, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है, कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो वो वही फंस जाते हैं। मैंने कहा आपको सत्य कभी जो है ना परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, तो कितनों झूठ का दीवार खड़ा करते हैं, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 1 साल 2 साल या उनका टर्म खत्म होने बाद भी, तो कभी ना कभी तो वो सामने आएगा, पब्लिक भी देख रही है कि उनका क्या कार्यशैली है, क्या विकास हो रहा है, कितने रोड बन रहे हैं, कितने नाले टूट रहे हैं या क्या हो रहा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। और वक्त का इंतजार कीजिए, परिणाम आपको जनता जिस तरह जिस उम्मीद से आपको जिता के भेजा था, चाहे आप देख लीजिए कि आप हमारे फुटकर भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो दुकान बना हुआ 2018 में वो भी अभी तक नहीं कर पाए, उनमें उपाध्यक्ष मैडम बेनु चौबे भी बहुत आगे डीसी को पत्र लिखे कहाँ तक कर पाए, जबकि उनके मुझे पता है उनके सरकार है अभी, जब उन पावर में है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग तो भी आम आदमी है, लेकिन आवाज़ उठाते रहेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी का शव यात्रा निकालना कहाँ तक, ये देखिए इस पर हम जाना नहीं चाहते, कार्यपालक अधिकारी का शव यात्रा निकला ये या अध्यक्ष जी का भी सब यात्रा निकला, ये सब आज प्रचलन चला गया, कैंडल मार्च हो गया, कोई मर गया तो कैंडल जलाए, तो सबका अपना अपना एक विचार होता है, वो लोगों का विचार है, वो अगर उनके आत्मा में ठेस फंसा तो ऐसे मेरे अधिकारी या हमारे जो है अध्यक्ष रख के क्या करेंगे, जबकि हम भूखे मर रहे हैं, इतने कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, हमारा सही टाइम पे मानदेय नहीं मिलेगा, तो लोग संघर्ष करते ही हैं। गुड्डू मंडल ने कहा मेरी शव यात्रा निकली है, मेरी उम्र बढ़ गई, इस पर क्या कहें? तो बस उनका सोच ऐसा ही है, वो अपने सोच से अनुसार वो अपना बयान दिए हैं, मैं और आगे भविष्य लोग देख रहे हैं कि शव यात्रा निकला कि उनका जो है विदाई यात्रा है, वो सब परिणाम आपको मिल जाएगा। अच्छा अपने बात की कोलरा बांध की, तो कोलरा बांध का कार्य अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, गुड्डू मंडल आगे आगे बढ़ करके काम करवा रहे थे, उसी काम के बीच वो एक पुलिस वाले विवाद में फंस गए थे वहाँ रौतारा चौक पर, तो फिर उसके बाद जब वो छूट करके आए जेल से फिर काम ठप क्यों पड़ गया? देखिए चूंकि आज आपके चैनल के अगर माध्यम से खबर जाएगा कि जैसे कि हम आवाज़ उठाए हैं, तो तुरंत मोहल्लेवासियों को बोलेंगे देखिए बच्चू जहाँ तो आपको डिस्टर्ब करता है, हम काम तो कर ही रहे हैं, जाके देख लीजिए काम क्या हुआ है। वो कोलरा पान का जो निकासी का जो था पाइप निकला हुआ है, वो पुनः पाइप जो का पानी वापस पोखर में आ रहा है, तो हाथी के दांत हो गए, सारे पैसे निकल गए, वो फंड भी ट्रांसफर हो गया, वो फंड 44 लाख अमित मंडल जी का देन था जो कोलरा बांध का निकासी के लिए नाला निर्माण के लिए उन्होंने दिया था, देखिए शिलापट भी उद्घाटन का वहाँ होगा, उस फंड को ट्रांसफर करके वो कोलरा बांध का जल निकासी का समस्या जो लगाए पंप जो लगाए हैं तो उसमें उनका हिसाब तो आपको पता ही है, पद चला जाएगा, मर जाएंगे, कागज नहीं मरेगा, कागज रहेगा, आज नहीं कल वो कागज सब चीज़ बयां कर देगा। मैं अनशन पर बैठा था, याद कीजिएगा जो अनन फनन में बहुत जगह कोड़ने का काम किया कि हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो तो बच्चू सा जो है वो झूठ मूठ का अनशन कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, तो उसका परिणाम लोगों को मिला कि हम नेतागिरी कर रहे थे या समाज के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उसी तरह जो संघर्ष है और संघर्ष का परिणाम है जो कोलरा बांध का जो निकासी का प्रयास मंडल जी के द्वारा किया जा रहा है या हो गया है, उसमें जितने भी उनका काला चिट्ठा हमारे पास उपलब्ध है, वो वक्त आएगा उनको सारा एक एक बिंदु पर कितने इंटरप्राइजेस हैं, सारा इंटरप्राइजेस मेरे पास लिस्ट है, डेट बाय डेट है, कितने करोड़ों का निकासी हुआ है, 2 करोड़ 99 लाख जितना भी है, वो सारे लिस्ट का मेरे पास बजाबते
मौजूद है, वक्त आने पर मैं डेट के डेट पब्लिक को मैं दिखा दूंगा। विकास की बात करें अगर नगर परिषद क्षेत्र में विकास, तो विकास गुड्डू मंडल के रहते क्या हुआ? विकास हुआ है उनका, विकास हुआ है, विकास हुआ है उनका। आप विकास में देखिए जो है गोड्डा में बहुत नाला बन गया है, विकास देख रहे होंगे। विकास हुआ है कि हर जगह कूड़ादान एकदम साफ सफाई हुआ है, वो भी देख लिए, विकास देख लिए। कहीं भी जल जमाव आपको नहीं मिलेगा, वो विकास देख लिए हैं। आप चले जाइए प्रोफेसर को लें, वहाँ विकास देखने को मिलेगा। आप वर्षा के मौसम में वहाँ भी जल जमाव का समस्या बना हुआ है, तो विकास तो विकास है इनका। विकास सिर्फ जो सत्य के मायने पर ओरियंट कहा जाए तो गांधी मैदान के जाकर विकास देखिए, इनको विकास नजर आएगा कि वहाँ देखिए कितना चकाचौन रोशनी रहेगा। बात करें अगर गुड्डू मंडल की, ठीक है, तो जब उनका चुनाव का प्रचार चल रहा था, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जो नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी शौचालय लगाए गए थे काफ़ी गंदा है, और ऐसा दावा कर रहे थे वो कि गुड्डू मंडल आएंगे और सारे शौचालय एकदम स्वच्छ हो जाएंगे। शौचालय आज भी वही रह गया जो बहुत काफ़ी पुराना था, वो टीन का डिब्बा बन गया। देखिए जो जिस मकसद से उनको लोग जिताए थे, और हम जब हम होल्डिंग टैक्स का विरोध करते हैं इसमें बैठे थे, तो हमारे आंदोलन में वो साथ थे। हमारे आंदोलन में दीपिका मैडम जो भी वर्तमान विधायिका हैं, और बेनु चौबे मैडम, और ये अध्यक्ष मैडम गुड्डू मंडल जी, ये सभी लोग हमारे साथ संघर्ष में साथ थे। जो आप प्रोफाइल जाइएगा पीछे तो आपको आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस संघर्ष से, जिस संघर्ष से इनको लोगों ने जिताया कि नहीं होल्डिंग टैक्स जो है एक अभिशाप के रूप में लोगों के जगह बना रहा है, उसको कम करने का वो काम करेगा, उस पर कोई कहीं विचार नहीं किया। आपको आपको जनता चुना है, आपको सरकार ने नहीं चुना है। अब जनता चुना है कि आप मेरा आवाज़ बनिए, आज मेरा आवाज़ चुप है। जहाँ जगह पे जाने के बाद वो सारे रिश्ते नाते भूल कर वो आज किस खौफ में चल रहे हैं, या क्या सपना है, क्या मिशन है, जो अपने जनता देख रही है। गुदड़ी हटिया की अगर बात करें तो पीछे में इतनी गंदगी, अगर लोग बिना मास्क पहने जाएं तो हमें लगता है बदबू सूंघने के बाद लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएं, तो उसके बारे में क्या कहें? तो वही विकास है उनका। लोग देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे क्या कार्य क्षमता है, लोग बस उनका विकास ही दिख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी सौरभ पराशर और बच्चू झा, इनसे हमने बात की, इन्होंने काफ़ी बातें हमें बताई। तो तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक।